हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट एजुकेटेड में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 मैथ का चैप्टर 10 वेक्टर एलजेब्रा का एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 पढ़ने से पहले इसका बेसिस कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 10.1। तो चलिए इसका पढ़ते हैं बेसिस कॉन्सेप्ट को। तो सबसे पहले वेक्टर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 9 10 से आ रहा है, 11th में भी है कि वेक्टर क्या होता है, आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग इससे फैमिलियर होंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूँ वेक्टर क्या होता है। तो जिसमें हम लोग का दो चीज आए, पहला हम लोग का वैल्यू आए और दूसरा हम लोग का डायरेक्शन आए, उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर। पहला हम लोग का वैल्यू और दूसरा हम लोग डायरेक्शन। तो वैल्यू का मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है हम लोग का परिमाण और डायरेक्शन का मतलब दिशा। तो ये दोनों जब भी रहे तो उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग फिगर से समझते हैं। अब देखिए यहां पे लाइन है हम लोग का, ये लाइन है, देखिए यहां पे देखिए, और ये हम लोग का कितना है 5 मीटर है इसका वैल्यू। तो देखिए यहां पे देखिए हम लोग का वैल्यू दिया हुआ है और डायरेक्शन हम लोग का देखिए इस तरफ जा रहा है, इस तरफ, तो इसी को बोलते हैं हम लोग वेक्टर। तो यहां से आप लोग को क्लियर हो गया होगा वेक्टर किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग का वैल्यू और डायरेक्शन हो उसी को हम लोग वेक्टर कहते हैं। और यहां पे एग्जांपल से समझ लिए आप लोग, ए और बी लिख लीजिए यहां पे। देखिए ए बी का वैल्यू हम लोग कितना है 5 मीटर है और डायरेक्शन हम लोग का दिया हुआ है, इसमें दोनों चीज है, इसका मतलब ये वेक्टर है। अब देखिए यहां पे हम लोग इसको बोलते हैं, हम लोग इनिशियल पॉइंट और इसको क्या बोलते हैं हम लोग फाइनल पॉइंट। अब यहां पे आप लोग वेक्टर समझ गए। अब यहां पे हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। देखिए यहां पे अब मान लीजिए यहां पे सपोज कर लीजिए, लेट पी वेक्टर। अब देखिए वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम लोग इस तरीका से लिखते हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग फैमिलियर है वेक्टर से। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर का सिंबल होता है। अब देखिए यहाँ पे होता है, एग्जांपल ले ली यहाँ पे, टू आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। तो आप लोगों को बहुत लग रहा होगा ये कैप क्या है, आई, टू आई प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप क्या है। अब देखिए ये आई का मतलब होता है डायरेक्शन, जे आई जे के मतलब डायरेक्शन, तो यहां से समझिए। अब देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे ग्राफ में, ये हम लोग का एक्स होता है और ये हम लोग का वाई होता है और एक और हम लोग का डायरेक्शन होता है जिसे हम लोग बोलते हैं जेड। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखिए इसको हम लोग बोलते हैं जेड। आप देखिए यहाँ पे एक्स, वाई और जेड 3 डायरेक्शन होता है। एक्स को हम लोग आई लिखते हैं, वाई को हम लोग जे लिखते हैं और जेड को हम लोग के लिखते हैं। तो ये हम लोग का डायरेक्शन हुआ, इसी को डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम लोग आई जे के कैप लगाते हैं। तो ये हम लोग का वेक्टर है, 2i कैप। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2i मतलब यहाँ पे 2 वैल्यू है इसका और i कैप देखिए, तो इस तरीका से हम लोग का 3j कैप, तो इस तरीका से हम लोग आई जे के लिखते हैं। तो यहां से आप लोगों को पता है वेक्टर ऐसे लिखते हैं। अब इसको हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, इसका मैग्नीट्यूड। तो इसको मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहां पे हम लोग मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने का होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं पी मॉडुलस, इसको इस तरीका से लिखते हैं। इसको निकालने के लिए अब देखिए इसका हम लोग निकालेंगे मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लोग रूट अंडर करते हैं, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी, ऐसे होता है ना यहाँ पे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये हम लोग का होता है मैग्नीट्यूड निकालने का। तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल, तो सबका हम लोग स्क्वायर कर दिए, जितना वैल्यू था आई के जगह कोफिशियंट में 2 था तो इसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, फिर के का कोफिशियंट 4 था तो 4 का स्क्वायर। तो इस तरीका से हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यहाँ से आप लोग मैग्नीट्यूड। तो ये हम लोग बेसिस कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इफ एनी वेक्टर, अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग को एक और ले लीजिए, यहाँ पे देखिए इफ एक और एग्जांपल, इफ एनी वेक्टर, किसी का भी वेक्टर निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे। मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है एक ए वेक्टर इज इक्वल टू a1i1 प्लस a2j प्लस a3k। तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसे समझे थे, अब यहाँ अल्फाबेट समझते हैं इसका। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, ए का हम लोग मैग्नीट्यूड इक्वल टू, फिर से यहां पे देखिए रूट अंडर, अब देखिए a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर। तो इस तरीका से हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो यहां से हम लोग को क्लियर हो गया मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं।
अब आते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर में। तो यहां पे देखिए हम लोग का देखिए यहां पे हम लोग पोजीशन वेक्टर है, तो इसको समझते हैं। तो यहां पे हम लोग पेज बदल लेते हैं। अब देखिए पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो इसको फिर से हम लोग फिगर समझते हैं ग्राफ से। तो ये हम लोग का है आई जे के, मतलब एक्स वाई और जेड। अब मान लीजिए यहां पे हम लोग का पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोग को वेक्टर निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है। इस पोजीशन वेक्टर यहां पे हम लोग वेक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो यहां से मान लीजिए ये ओ है, तो देखिए यहां पे हम लोग इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए यहां पे वैल्यू है पी, इसको हम लोग पी मान लिए, एक्स वाई जेड। तो ये हम लोग का है पॉइंट का वैल्यू। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग आर लिखते हैं, ये हम लोग का होता है पोजीशन वेक्टर। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पोजीशन वेक्टर। तो इसी आर का वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, तो आर वेक्टर ही, आर का वैल्यू होता है ओपी का वेक्टर। तो यहां पे ओपी, यही हम लोग का हो गया पोजीशन वेक्टर। अब देखिए ओपी कैसे निकालेंगे, अब यहां पे हम लोग सवाल निकल रहा है ओपी, तो यहां पे ओपी कैसे निकालेंगे, तो चलिए इसे समझते हैं। अब देखिए यहां पे ओपी है, तो इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, ये होता है देखिए यहां पे ओपी को हम लोग निकालते हैं, ओपी वेक्टर इक्वल टू। तो अब देखिए यहां पे हम लोग इसको हम लोग घटा देंगे इससे, मतलब यहां पे देखिए यहां पे हम लोग का वेक्टर क्या हुआ, यहां पे पॉइंट है 0,0,0, यहां पे वैल्यू 0 का ओ का यहां पे हम लोग का वैल्यू इतना है 0,0,0। तो यहां पे हम लोग ओपी कैसे निकालेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। तो यहां पे देखिए कैसे लिखते हैं इसको, एक्स कॉमा जीरो आई कैप प्लस वाई कॉमा जीरो जे कैप प्लस जेड कॉमा जीरो के कैप। तो इस तरीका से हम लोग आ गया। अब देखिए यहां पे हम लोग का इसको घटाए तो कितना आ गया, यहां पे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हम लोग का हो गया यहां पे ओपी का वेक्टर, मतलब पोजीशन वेक्टर, यहां पे हम लोग आर का वैल्यू। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर। तो इसको यहां पे आप लोग समझ गए। अब देखिए यहां पे कुछ इस तरीका से रहेगा। अब मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं और इसको अच्छा तरीका से थोड़ा सा यहां पे कॉम्प्लेक्स करके समझते हैं। अब मान लीजिए यहां पे एक ग्राफ है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अब देखिए यहां पे वैल्यू हम लोग किसका निकालना है। अब देखिए यहां पे हम लोग का एक यहां पे ए वैल्यू, इसको हम लोग ए वेक्टर मान लिए ओ ए, और इसको हम लोग मान लिए यहां पे ओ बी। तो यहां पे आप लोग समझिए अच्छा से, वी वेक्टर बी मान लिए। अब यहां पे निकालना है हम लोग क्या, निकाल ए बी वेक्टर निकालना है, इसको निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे, तो आप लोग थोड़ा दिमाग, यहाँ पे देखिए ऐसा था तो निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग कैसे निकालेंगे एग्जाम्पल में, तो कुछ इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देता है। अब देखिए ए बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, ए बी निकालने का होता है यहाँ पे देखिए, ए बी वेक्टर कैसे निकालेंगे इक्वल टू ओ बी वेक्टर, ओ बी कौन सा है, ओ बी है, इसे घटा देंगे हम लोग ओ ए। तो इस तरीका से हम लोग का वैल्यू आ जाएगा, ए बी का वेक्टर आ जाएगा। तो चलिए इसे ऐसे निकालते हैं, ओ बी कितना है हम लोग का देखिए। अब यहाँ पे हम लोग देखिए कुछ वैल्यू ले लेते हैं तो अच्छी तरीका से निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एक जगह हम लोग वैल्यू ले लिए 1, 2, 1 ले लिए, और यहाँ पे v का वैल्यू ले लिए 2, 3, 5 ले लिए, कोई रैंडम ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग उसको घटा देंगे, तो देखिए यहाँ पे घटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे और क्या है हम लोग का एक्स टू, तो यहाँ पे एक्स टू माइनस एक्स वन का आई प्लस वाई टू माइनस वाई वन का आई का जे प्लस जेड टू माइनस जेड वन का के। तो इस तरीका से हम लोग घटा देंगे, तो यहां पे हम लोग का कितना आ जाएगा, यहां पे देखिए, तो यहां पे हम लोग का टू माइनस वन आई कैप प्लस थ्री माइनस टू जे कैप
प्लस 5 माइनस 1 के कैप, तो यहां पे हम लोग का ए बी का वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, ए बी का ए बी वेक्टर का वैल्यू आ जाएगा कितना, आई प्लस जे प्लस, यहाँ पे घटा दिए, प्लस 4k। तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। तो यहां से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे आता है कोसाइन वेक्टर। तो कोसाइन वेक्टर इसमें सॉरी डायरेक्ट डायरेक्शन कोसाइंस और यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, इसको निकालना, इसको पढ़ते हैं। तो ये हम लोग का ज्यादा यूज नहीं हुआ एक्सरसाइज 10.1 में, तो पिछले वाले चैप्टर में भी हम लोग और उसके पिछले के पिछले चैप्टर वाले में भी हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पढ़े थे। तो आप लोग इससे आई होप आप लोग फॉर्मुलेर होंगे और उसमें ज्यादा यूज नहीं हुआ हुआ है इस एक्सरसाइज 10.1 में, तो इसको फिलहाल छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज में आएगा तो आपको डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे, जिस क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइन रहेगा पूछा रहेगा तो उसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसे समझते हैं, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए टाइप्स ऑफ वेक्टर, पहला हम लोग का आता है जीरो वेक्टर। पहला क्या आता है हम लोग का, इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। तो इसको समझते हैं। अब यहां पे जीरो वेक्टर को हम लोग लिखते हैं जीरो पे वेक्टर कुछ इस तरीका से, और इसको लिखते हैं जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। तो इस तरीका से हम लोग लिखते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जीरो वेक्टर। यहां से आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम लोग का दूसरा क्या है, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट से आप लोग को पता रहेगा यूनिट का मतलब होता है वन। तो यहां पे समझते हैं यूनिट वेक्टर। तो चलिए यहां पे देखिए, यहां पे यूनिट वेक्टर क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब वन यूनिट इज कॉल्ड ए यूनिट वेक्टर, जिसका हम लोग का मैग्नीट्यूड का वैल्यू वन आए उसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यहां पे आप लोग समझ लीजिए सिंपल में, देखिए यहां पे हम लोग का है ए वेक्टर है इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे, तो यहाँ पे कैप नहीं लगा रहे लोग लगा लीजिएगा, वाई जे प्लस जेड के। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड करने पे, इसका मैग्नीट्यूड करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे यूनिटी मतलब वन आना चाहिए, तो इसी को बोलते हम लोग यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालने का होता है, यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है हम लोग, इसको यूनिट वेक्टर को हम लोग इसे डिनोट करते हैं यहाँ पे ए कैप से, कुछ इस तरीका से कैप से, बड़ा कैप से यूज करते हैं। तो यूनिट वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है ए ए वेक्टर बाय मॉडुलस ए, मतलब मैग्नीट्यूड का ए वेक्टर। तो इस तरीका से हम लोग निकलता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला। अब आते हैं तीसरा में, तो तीसरा क्या हम लोग का है, कोइनिशियल वेक्टर। तो इसको देखते हैं क्या है, यहां पे लिखते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो वो क्या होता है चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे टू और मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट्स आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। तो चलिए इसे समझते हैं। अब देखिए यहां पे हम लोग का पॉइंट है, यहां से हम लोग का ए वेक्टर निकल रहा है ए वेक्टर, यहां से हम लोग का बी वेक्टर निकल रहा है, यहां से हम लोग का सी वेक्टर निकल रहा है, और यहां से हम लोग का डी निकल रहा है। दो से ज्यादा वेक्टर यहां से निकल रहा है एक पॉइंट से, एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ओ ए वेक्टर पहला है, फिर दूसरा हम लोग का ओ बी, हाँ ओ बी वेक्टर है, तीसरा ओ सी वेक्टर है, और ओ डी वेक्टर है। देखिए यहाँ पे इस वेक्टर है जो एक पॉइंट से हम लोग का निकल रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग को इनिशियल पॉइंट। दो या दो से ज्यादा एक पॉइंट से निकले तो उसी को बोलते हैं हम लोग को इनिशियल वेक्टर। अब आते हैं हम लोग चौथा में, चौथा कौन सा वेक्टर है, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो देखिए यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर। तो उसको लिखते हैं को लीनियर वेक्टर। अब देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, अब मान लीजिए यहां पे देखिए ए ए बी है,
यहाँ से हम लोग का सी डी है। तो यहाँ पे पहले हम लोग पढ़े नहीं, थ्योरी पढ़ लेते हैं क्या बोल रहा है कोलिनियर। टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इरिस्पेक्टिव देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का सी डी है, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का ए बी है, सी डी है, ई एफ है। अब देखिए कोलिनियर क्या होता है, इसका हम लोग का क्या होना चाहिए, यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए, इसमें हम लोग का पैरेलल होना चाहिए, उसी को बोलते हैं हम लोग कोलिनियर। मतलब एक इसका डायरेक्शन इसमें मैटर नहीं करता है, डायरेक्शन देखिए इस तरफ जा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड मैटर नहीं करता है, मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ 5 मीटर है, यहाँ 4 मीटर, यहाँ 3 या 4 जो भी है, बस यहाँ पे पैरेलल होना चाहिए, ये भी हम लोग का पैरेलल होना चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कोलिनियर। कोलिनियर क्या था फिर से, दो से ज्यादा, मतलब दो है दो या ज्यादा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। अब आते हैं हम लोग क्या इक्वल वेक्टर में, तो कोलिनियर यहां से क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर में, इक्वल वेक्टर। अब देखिए यहां पे हम लोग का ए वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है। अब यहां देखिए फर्स्ट वेक्टर है और ये हम लोग का क्या है सेकंड वेक्टर। अब मान लीजिए यहां पे देखिए इफ इस दोनों का मैग्नीट्यूड हम लोग का सेम हो जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं इक्वल वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इक्वल टू बी का वेक्टर, सॉरी बी मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, देन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर इक्वल वेक्टर, तो तभी हम लोग बोलते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर। तो यहां से क्लियर हो गया। अब इसका कंडीशन भी है तो उसका कंडीशन समझते हैं। आप देखिए इसका एक कंडीशन है, कंडीशन देखिए यहां पे, कंडीशन इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। इसका हम लोग का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और इसका हम लोग का डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, तब हम लोग का इक्वल होगा। अब मान लीजिए देखिए यहां पे हम लोग का कुछ इस तरीका से है हम लोग का वेक्टर, तो ये हम लोग का देखिए यहां पे हम लोग का, तो ये तब हम लोग का मैग्नीट्यूड भी सेम है और यहाँ पे 2-2 मीटर है ए वेक्टर, तब इसको हम लोग इक्वल वेक्टर कहेंगे। और मान लीजिए यहाँ पे हम लोग का डायरेक्शन यहाँ पे चेंज हुआ था, मान लीजिए इस तरफ रहता है, तब इसको हम लोग नहीं बोलते इक्वल वेक्टर। तो यहाँ से इक्वल वेक्टर क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग छठा में जो है निगेटिव वेक्टर, जो लास्ट है अब आते हैं हम लोग निगेटिव वेक्टर में। अब देखिए यहां पे ए बी वेक्टर है और इक्वल टू, तो जैसे वाजिब लिखा हुआ है नेगेटिव वेक्टर, तो इसका माइनस बी ए वेक्टर है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग नेगेटिव वेक्टर। अब मगर इसका एक फैक्ट देखिए, जो अभी हम लोग का ए बी वेक्टर दोनों को मॉडुलस करने पे हम लोग का बिल्कुल सेम आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी हम लोग बोलते हैं नेगेटिव। इसको हम लोग को मॉडुलस करिएगा तो तब पर भी हम लोग का वैल्यू सेम आएगा। मगर यहाँ पे देखिए तो यही हम लोग का फैक्ट है कि नेगेटिव वेक्टर में इसका मैग्नीट्यूड करने पे इसका वैल्यू सेम आता है। तो इस तरीका से हम लोग का नेगेटिव वेक्टर भी आप लोग आई होप समझ गए होंगे। अब हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 10.1। तो 10.1 में सबसे पहला है रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो यहाँ पे हम लोग को रिप्रेजेंट करना है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए इसको कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका रहा है आंसर। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोल रहा है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, हम लोग को पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होता है। अब क्या बोल रहा है 40 किलोमीटर, मतलब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग का 40 किलोमीटर और यहाँ पे डायरेक्शन बोल रहा है हम लोग का नॉर्थ डिग्री में, नॉर्थ ऑफ ईस्ट डिग्री, मतलब नॉर्थ के ईस्ट डिग्री पे यहाँ पे हम लोग मान लिए 30 डिग्री, तो इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हम लोग का होगा आंसर। तो यहाँ से हम लोग का पहला नंबर हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर में। तो
तो यहाँ पे दूसरा नंबर देखिए, क्लासीफाई द फ्लोइंग मेजर्स एज स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो यहाँ पे क्लासीफाई करना है कि स्केलर्स है कि वेक्टर। अब यहाँ पे देखिए 10 kg, तो यहाँ पे देखिए स्केलर्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड, उसे हम लोग स्केलर्स बोलते हैं। और वेक्टर्स हम लोग का जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसे हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 kg में हम लोग चेक करते हैं क्या है। देखिए 10 kg हम लोग का स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों क्यों होगा, अब देखिए इसका रीजन बताते हैं आप लोग ध्यान से। बस इसमें हम लोग का मैग्नीट्यूड होता है। अब देखिए 10 kg बोल रहा है, अब 10 kg इस नहीं बोल रहा है ना, 10 kg बेस, मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्शन का बात नहीं हो रहा, बस 10 kg, बस इसका मास 10 kg। तो ये हम लोग का हो जाएगा, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, परिणाम है, तो इसमें बोलते हैं हम लोग स्केलर। तो ये हम लोग का हो जाएगा स्केलर। अब देखिए आते हैं सेकंड में, 2 meters नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का 2 meters वैल्यू भी है, नॉर्थ वेस्ट इसका मतलब डायरेक्शन भी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें बोथ मैग्नीट्यूड भी हो रहा है और डायरेक्शन भी हो रहा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा वेक्टर। तो इसको हम लोग वी कर देते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ मैं आप लोग समझा देता। अब देखिए 3 में है 40 degree, तो 40 degree हम लोग का सिर्फ यहाँ पे हम लोग इसका डायरेक्शन दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे हम लोग इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ओनली 40 degree यहाँ पे हम लोग का मैग्नीट्यूड है, तो ये हम लोग का हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं हम लोग 40 watt, 40 watt क्या है, तो 40 watt हम लोग का, ये भी हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे बिकॉज रीजन देखिए, यहाँ पे क्यों हम लोग का 40 watt, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड हो रहा है, कोई डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, बस 40 watt। तो यहाँ पे ना नॉर्थ ईस्ट ये सब कुछ, बस 40 watt। अब देखिए यहाँ पे 5वां में है 10⁻¹⁹ coulomb, तो यहाँ पे देखिए क्या है, तो ये हम लोग का, ये भी हम लोग का स्केलर क्वांटिटी है, जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हो रहा है, बस हो रहा है। अब देखिए 6 number में 20 meter per second square, तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ये हम लोग का क्या है, देखिए यहाँ पे 20 बोल रहा है, 20 meter बोल रहा है हम लोग का, यहाँ पे हम लोग का क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड और सेकंड स्क्वायर, मतलब यहाँ पे दोनों चीज इन्वॉल्व हुआ हुआ, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हुआ हुआ है, तो ये हम लोग का हो जाएगा वेक्टर। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहे, तो आप लोग हर हमेशा वेक्टर लिखिएगा। अब आते हैं फिर से हम लोग क्लासीफाई द फ्लोइंग एज स्केलर्स एंड वेक्टर क्वांटिटी, जैसा सेकंड था वैसे थर्ड है, बस यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा हार्ड हार्ड है। अब देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड थोड़ा सा आप लोग को समझना होगा, टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड को हम लोग स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं आप सुनिए, यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड में सिर्फ हम लोग का टाइम पता चल रहा है, तो उसे बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है ना, डायरेक्शन बोल रहा है, सुई किस तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है, बहुत तरफ है रहता है, तो ये हम लोग का मैग्नीट्यूड है सिर्फ, तो यहाँ पे हम लोग का स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस भी हम लोग का स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड बोल रहा है कि इतना डिस्टेंस, 5 meter, 40 kilometer, 100 kilometer, 1000 kilometer, सिर्फ यहाँ पे परिणाम मतलब मैग्नीट्यूड पहुंचा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं 4 number में वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम लोग क्या है, तो वेलोसिटी भी हम लोग का क्या है, सॉरी यहाँ पे थर्ड हम लोग का एक और है, सॉरी यहाँ पे देखिए थर्ड हम लोग का फोर्स छूट गया था। अब देखिए फोर्स क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू कुछ होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, आई होप ये होता है फोर्स का, आप लोग देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से मैं गलत हूँ, एक फोर्स का फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहता है, तो फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मतलब मास मतलब इसका एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे हम लोग का ये हम लोग का वेक्टर हो जाएगा, इसमें दोनों चीज रहता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी में भी हम लोग का, ये भी हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी, क्यों, इसमें हम लोग का दोनों चीज रहता है, तो वेलोसिटी जैसे एक्सेलरेशन पर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं उसको, एम बाय सेकंड स्क्वायर कुछ इस तरीका से बोलते हैं, तो यहाँ पर भी दोनों चीज रहता है वेलोसिटी। अब यहाँ पे वर्क डन, तो आप लोगों को लग रहा होगा वर्क डन भी हम लोग का देखिए कितना हो रहा है और किस डायरेक्शन में, तो यहाँ पे आप लोग का वेक्टर, मान ये वेक्टर नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ हम लोग का मैग्नीट्यूड इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पे देखिए इन फिगर 10.6 ए स्क्वायर आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर्स, तो यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि क्या क्या यहाँ पे हम लोग को इनिशियल कौन कौन सा है, कौन कौन सा यहाँ पे हम लोग इक्वल और थर्ड यहाँ पे कोलिनियर बट नॉट इक्वल, तो चलिए से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे को इनिशियल, जैसा कि क्या होता है, अब देखिए यहाँ पे को इनिशियल क्या बोलते हैं, जिसमें हम लोग एक पॉइंट से निकले, एक पॉइंट सारा तरफ, अब देखिए यहाँ पे ए
और डी हम लोग का एक पॉइंट से हम लोग का ए भी निकल रहा है, टू या टू से ज्यादा पॉइंट निकले एक जगह से, ये वेक्टर निकले एक पॉइंट से, दो या दो से ज्यादा मतलब एक पॉइंट से ए वेक्टर निकल रहा है, एक पॉइंट से डी वेक्टर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का इनिशियल, बिकॉज द सेम इनिशियल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट सेम है। अब आते हैं सेकंड, इक्वल फाइंड करना है, इक्वल कौन सा है, तो यहाँ पे हम लोग का देखिए बी और डी हम लोग का इक्वल है, देखिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड और सब कुछ यहाँ पे इक्वल है, तो ये हो जाएगा हम लोग का। अब देखिए यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कैसे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे कोनिशियल में आप लोग जैसा पता है ए वेक्टर और डी वेक्टर है, इस तरीका से इक्वल का क्या हो जाएगा डी वेक्टर और बी वेक्टर, और यहाँ पे कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर हम लोग का ए और सी इसमें पैरेलल होना चाहिए कोलिनियर में, तो यहाँ पे देखिए हम दोनों पैरेलल में है, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा ए वेक्टर और सी वेक्टर, तो इस तरीका से हम लोग का फोर नंबर में हो गया। अब आते हैं फाइव नंबर, Answer the following as true or false. तो यहाँ पे true और false find करना है। अब देखिए a vector and minus a vector are collinear. तो यहाँ पे क्या होगा? देखिए a और minus a vector, तो ये हम लोग का parallel होता है और coinciding होता है। तो यहाँ पे देखिए ये हम लोग collinear होगा। क्यों होगा? True. ये हम लोग ट्रू क्यों होगा, आप इसका रीजन सुनिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए a वेक्टर और माइनस a वेक्टर दोनों पैरेलल होता है और कॉन्साइडिंग वेक्टर्स होता है, इसी कारण ये हम लोग का पैरेलल और कॉन्साइडिंग वेक्टर्स होता है, इसी कारण कोलिनियर होगा। सेकंड में देखिए टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नेट्यूड, तो दो कोलिनियर, तो ये गलत बात है, क्यों? देखिए दो कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज इक्वल नहीं होगा इस मैग्नेट्यूड, देखिए क्यों, दोज वेक्टर्स बिकॉज दोज वेक्टर्स आर आर कॉपी में लिख लीजिएगा कॉपी में कि आर दोज वेक्टर्स दैट आर पैरेलल टू द सेम लाइंस, इसी कारण कोलिनियर में नहीं होता है। अब टू वेक्टर्स हैविंग कोलिनियर टू वेक्टर्स हैविंग सेम, तो यहां पे हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। अब थर्ड में टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और कोलिनियर, तो ये भी गलत बात है, दो वेक्टर के पास हम लोग का नहीं रहता, इट नॉट नेसेसरी नहीं है कि हरदम ऐसा ही हो। अब देखिए टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा कि हरदम नहीं रहता है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड नहीं रहता है, ये भी नेसेसरी नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा हम लोग का। तो इस तरीका से हम लोग का 10.1 खत्म हुआ।